भाई दो बंदे यहाँ पे नॉक पड़े हैं, एक ही बंदे ने इन बंदों को नॉक किया है, कौन है वो बंदा? पुष्पराज, छोड़ेगा नहीं साला। डायलॉग कितना बेहतरीन था ना। अब यहाँ पर देखो यार, सामने एक बंदा टावर बैठा हुआ है और यहाँ पर वो बंदे ने मेरे बंदे को नॉक किया था। अब इस बंदे की बारी है, मेरी बारी से। अब यहाँ पे इसको दो बंदे नॉक करेंगे स्कल के बेहतरीन फोरेक्स स्प्रे। शायद से आपको ये फोरेक्स का स्प्रे पसंद आया तो लाइक करना, पर तभी नीचे कूद रहा था तो भाई बॉट मिलता है, बॉट तुम्हारा केडी बढ़ाओ यार। केडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन अचीव इन BGMI। लोग आखिर खेलते इसीलिए है ना। अब यहाँ पर जैसे आगे बढ़ता हूँ तो भाई सामने एक बंदा आता है और ये भाई M4 का बेहतरीन स्प्रे, सॉरी कार्ल का बेहतरीन स्प्रे देता हूँ और यहाँ पर तुरंत उसको नॉक करके आगे बढ़ता ही हूँ कि वहाँ से शॉट्स आते हैं और ये भाई साहब भी यहाँ बैठ के हमारा टीम भी ले रहे थे, पर भाई साहब को हमने थोड़ा डैमेज दिया। और यहाँ पर आगे पुश करने की बारी है क्योंकि उसकी लो हेल्थ है। और यहाँ पर कवर टू कवर आगे बढ़ता हूँ कि उसने एक बंदे को नॉक किया था, मैंने उसका किल चुरा लिया और भाई साहब बहुत ही मतलब बहुत ही गुस्से में होगा वो बंदा। खैर कोई बात नहीं, वो बंदा यहाँ पे भाग के आ जाता है फ्लैंक करके और यहाँ पर इसकी बारी थी मरने की, ये मर चुका है। अब यहाँ पर देखो यार, सामने एक बंदा मेरे बंदे को फिनिश कर चुका है, एक बंदा नहीं दो दो बंदे थे मुझे पता नहीं स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर देखो यार, एक बंदे को नॉक करता हूँ M4 के फोर स्प्रे से और दूसरे बंदे को भी नॉक फिनिश कर देता हूँ ऑन द स्पॉट। यहाँ पर दो बंदे एक ही स्प्रे में खत्म, क्या ही शानदार सीन था बे। पर यहाँ पर देखो यार, सामने एक बंदा कैंप कर रहा है No. 4 को, उसने नॉक कर दिया है और भाई जोन आ गया है, फिर भी वो बंदा हिल नहीं रहा है और मेरी हेल्थ भी लो है, मेडिसिन नहीं है मेरे पास। पर भाई जैसे ही गाड़ी में बैठ के निकलता हूँ भाई गंदे तरीके से पड़ती है मुझे और मेरा यहाँ पे गेम खत्म हो जाता है और वो भाई साहब बग्गी लेके जोन में पहुंच जाता है। वाओ, व्हाट अ आइडिया, व्हाट अ ब्रेन ही यूज्ड। अब यहाँ पर लैंड करता हूँ मिलिट्री बेस के इस फैक्ट्री वाली जगह पर, छोटे वाली जगह पर। मुझे मिलते हैं AKM और यहाँ पर M416। वाओ, व्हाट अ लकी डे। और 6x भी भाई साहब मतलब नहले पे दहला। पर जैसे यहाँ पे आता हूँ मुझे कुछ फुटस्टेप आती है बे, और देखो यार भाई साहब मेरी आंखों के सामने बंदा आके लेट चुका है। लगता है इस बंदे के पास गन वन है नहीं इसलिए आके लेट चुका है, वरना मेरे को फायर कर दिया होता पहले ही। पर यहाँ पर इस बंदे को तुरंत लॉबी भेजते हैं, कुछ सिखा के भेजते हैं, जाओ लॉबी कुछ सीख के आओ, जब गन ना मिले तो लीव कर दो मैच को। अब यहाँ पर देखो यार, सामने बंदे पुश करने आते हैं मुझ पे, पर भाई साहब मैंने पता नहीं कैसे इस बंदे को नॉक कर दिया AKM के बेहतरीन स्प्रे से हेड कनेक्ट करते हुए। सिर्फ और सिर्फ दो हेड कनेक्ट किए पर इस बंदे ने मुझको डैमेज दिया है। अब यहाँ पर इसको लूट लपट करके आगे बढ़ता ही हूँ कि इसका टीममेट आता है शायद से, तुरंत ही इसके मुंह पे मारता हूँ और इसका भी यहाँ पे गेम खत्म करता हूँ तुरंत ही, नॉक एंड फिनिश ऑन द स्पॉट। इसको भी लूट लपाट करके जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो देखो यार क्या ही शानदार सीन होता है। अब यहाँ पर मुझे लगा कोई बंदा सामने लेटा हुआ है क्योंकि मुझे उसको थोड़ा सा खोपड़ी दिखा और मैंने भाई साहब खोपड़ी फोड़ दिया। चलो यार जैसे यहाँ पे आता हूँ फिर से मुझे लेफ्ट साइड से फुट से पाती है, पर यह भाई साहब बंदा नहीं बॉट निकलता है भाई। फ्री की किल लो बिंदास, BGMI में टॉप करो। पर जैसे छत पे आता हूँ भाई साहब सामने से कुछ शॉट्स आ रहे थे और भाई इस बंदे के ऊपर मैंने क्या ही स्प्रे दिया है। देखो यार भाई यार, बंदे ने कड़क स्प्रे दिया मेरे ऊपर, पता नहीं क्या शॉट मारा है, K98 का या फिर M4 का, पता नहीं क्या मारा उसने, मेरे HP लो कर दी पर मैंने भी उसको नॉक कर दिया है। अब यहाँ पर वो बंदा अकेला नहीं है, पूरी स्क्वाड है और मैं गाड़ी लेके पीछे आता हूँ तो देखो यार मैं इनका वेट करता हूँ ये गाड़ी में बैठने का, और बिल्कुल वैसा ही होता है, बंदे आते हैं गाड़ी में बैठने के लिए और तभी मैं स्प्रे देता हूँ। भाई साहब लेकिन ये चलाक बंदा था यार, कितना बेहतरीन टैलेंटेड है ये बंदा। अब यहाँ पर सामने बंदा कूद चुका है और भाई साहब मैंने स्प्रे तो दे दिया है पर नॉक नहीं कर पाता हूँ यार इस बंदे को, और उसके टीममेट चारों तरफ से मुझ पर फायर करने लगते हैं और मैं सोचता हूँ कि चलो एक काम करता हूँ अपने टीममेट्स को बुला के लेके आता हूँ फिर इनसे फाइट लूंगा। पर भाई मेरे टीममेट इतने महान लोग हैं कि यहाँ पर भाई छत पे रहकर नॉक हुए जा रहे हैं और भाई उनको बचाने के बाद जैसे ही होता है क्या बताऊँ क्या मैं, यहाँ पर जैसे ही स्मोक कर रहा था भाई साहब मेरा बैकपैक दिखता है, सामने बंदा आता है, मेरा गेम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्या फाइट करूँगा मैं यार। चलो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम से खुद ही फाइट लूँगा, किसी के ऊपर बिलीव नहीं करूँगा कि वो मुझे मिलके हेल्प देंगे या फिर मुझे बचाएंगे। और यहाँ पर देखो यार, सामने एक बंदा है, मेरे हाथ में है SLR वाली गन और शॉट गन, और यहाँ पर सामने उस बंदे को भाई मारने की कोशिश कर रहा हूँ पर मार नहीं पाता, मैं नॉक हो जाता हूँ क्योंकि मुझे DMR वाली गन चलाने नहीं आती है, मतलब टैप 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 करके ऐसे चला जाता है मुझे पता ही नहीं। अब यहाँ पर देखो हिल बिल करके आता हूँ आगे, मुझे मिलती है AKM, सामने बंदा लेटा हुआ है और यहाँ पर आयरन साइट ऑफ AKM भी तुरंत नॉक करता हूँ और आगे चल के उसको तुरंत फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे लूट लपाट करता हूँ तो भाई साहब इसका टीममेट आता है इसको बचाने के लिए, मतलब बदला लेने के लिए, और यहाँ पर मैंने उसको स्पॉट किया है, मेरे हाथ में शॉटगन और भाई और भाई और भाई डैमेज करता हूँ पर भाई एक शॉट मिस हो जाता है। भाई साहब अगर वो शॉट इसको लगता ना बंदे को
खत्म था पक्का यार, और मेरे एके में बुलेट नहीं है वरना मैं एकेएम यूज करता था। अब यहाँ पर देखो सामने वो बंदा आके छिप गया है, मेरे तीन के तीन बंदे यहाँ पर हैं, पर भाई देखो होता है क्या। ओ भाई मतलब क्या ही तबाही वे, मतलब क्या ही खतरनाक शॉटगन वाला शॉट धम धम मार दिया। कितना बेहतरीन सीन था यार, मजा आ गया। मतलब अगर आपको ये सीन पसंद आया तो लाइक कर दो इसी बात पे, और आगे बढ़ता हूँ। देखो यार मुझे अच्छे खासे फुटस्टेप आ रहे हैं यहाँ से, और मेरे हाथ में M416, सामने एक बंदा नॉक पड़ा हुआ है और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ये किसी और का किल था बे। अब यहाँ पर देखो आता हूँ स्कूल अपार्टमेंट्स में, तो भाई सामने एक बंदा लेटा हुआ था, मैंने M4 का बेहतरीन 4 स्प्रे दिया, तुरंत ही फिनिश हो गया वो बंदा। अब यहाँ पर देखो आगे बढ़ता हूँ तो देखो सामने एक बंदा है, और यहाँ पर देखो क्या ही तबाही होती है। मतलब मेरे टीममेट उसको नॉक किया, मैंने उसको फिनिश कर दिया चढ़कर। शायद से आपको यहाँ तक ये गेम प्ले पसंद आया ही होगा। अब लेकिन इस गेम प्ले का सेकंड पार्ट देखो कितना बेहतरीन सीन होता है इसके अंदर। और यहाँ पर उतरता हूँ रोजोक में, सामने एक बंदा है, मेरे हाथ में है मिनी, और ये टैप 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 करते हुए बंदे को नॉक करता हूँ, तुरंत ही फिनिश कर देता हूँ। अब मैं सीख गया हूँ मिनी वाली गन यूज करना, और आता हूँ सीधा स्कूल के अपार्टमेंट्स में, और यहाँ पर सामने मुझे फुटस्टेप आ रही है, मतलब घिसड़ने की कोई सोया हुआ है, और मैं तुरंत ही मौली घींचता हूँ, और यहाँ पर भाई साहब मौली से इस बंदे का काम तमाम करता हूँ। मतलब 100 IQ यार, विक्टर 100 IQ मैंने यहाँ पे यूज किया है। पर भाई ये क्या होगा वे, खुद की मौली से मैंने खुद को डैमेज कर दिया अपने आप को। खैर कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है BGM वाले गेम के अंदर। और यहाँ पर हील वील करके आगे बढ़ता हूँ तो देखो यार क्या ही बेहतरीन सीन होता है। जंप मार के यहाँ पे नीचे कूद रहा था भाई साहब, गंदा डैमेज पड़ा, और यहाँ पर सामने एक बॉट मिलता है, बॉट को मारता हूँ नॉक करके, अंदर जाके जैसे हील ही करता हूँ तो देखो होता है क्या। 1 2 3 अबे भाई किस्मत क्या है मेरी बे, मतलब इतनी खराब किस्मत। हील कर रहा, सामने बंदा आ गया, मुझे उसे नॉक कर दिया, और ये बंदा आ गया यहाँ पे मुझे फिनिश करने, कोई मुझे बचाओ यार। अबे भाई साहब क्या परफेक्ट टाइम पे मेरे टीममेट आए हैं मुझे बचाने के लिए। अब दोस्तों शायद से आपको यहाँ तक ये वाला गेम प्ले पसंद आया होगा, पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड पार्ट। सामने बंदा था, मेरे हाथ पे थी उजी, उजी वर्सेस डीपी, उजी विंस। अब यहाँ पर देखो यार सामने मिलता है एक बंदा, मेरे हाथ में फिर से उजी और डीपी। ओ भाई ये तो बॉट निकला बे। अब यहाँ पर इसको नॉक एंड फिनिश करने के बाद में, लूट लपाट करने के बाद में आता हूँ इस जगह पर जो कि है एकदम बेहतरीन प्लेस, और यहाँ पर जो ही सीन होता है ना यार क्या बताओ बे। और उससे पहले मैं गाड़ी देखो, और पीछे बंदे अलग से मार रहे हैं मुझे, गाड़ी अलग से पलटी हुई जा रही है और बंदे अलग से मुझे मार जा रहे हैं, और यहाँ पर गाड़ी की हालत मतलब फूट ही जाएगी एक तरफ से, ऐसी बन चुकी है। पर मुझे लकीली सामने गाड़ी मिलती है, और गाड़ी लूट कर तुरंत ही तुरंत मतलब फटाफट पलक झपकते ही चेंज करके निकलता हूँ यहाँ से, और वो बंदे हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आते हैं तो देखो होता है क्या। मतलब 100 IQ लेवल इसमें मैंने फिर से यूज़ किया है, मतलब क्या ही बताओ बे। देखो यहाँ पे लेटा हुआ हूँ, सामने बंदे आते हैं, मेरे बंदे को वो लोग नॉक कर देते हैं, और मैं भाई साहब जोश में आके डीपी का स्प्रे करता हूँ, पर कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं दिमाग का यूज़ नहीं किया तो मैं मर जाऊँगा। देखो यार कितनी लो HP हो चुकी है, बंदों ने मेरे को स्पॉट कर लिया है, और मेरे पास खाली स्मोक है और हीलिंग है। अब यहाँ पर देखो स्मोक का कितना बेहतरीन यूज़ करता हूँ मैं, आप लोग खुद देख लो यार। टड़ा, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ, बंदों को पता ही नहीं होगा मैं कहाँ पर हूँ, और गाड़ी में बैठ के थर्ड आई का यूज़ करते हुए मैंने बंदे को स्पॉट किया, और सामने एक बंदा मिलता है, और ये M76 बंदे को नॉक करता हूँ, और ये भाई साहब दूसरे बंदे को नॉक करता हूँ 1 SP के अंदर। पर भाई साहब अभी ये क्या था बे, मतलब लिटरली भाई क्या बोलूँ बे, मतलब अबे यार इतनी खराब किस्मत कैसी मेरी हो सकती है बे। मतलब लकी यार, मतलब 100 में से खाली एक लोग के हाथ में ऐसा होता होगा यार। मैं 2 बंदों को नॉक कर चुका था 1 HP पे, और भाई आखिरी बंदा आता है शॉटगन से मार के मुझे खत्म कर देता है। दिल से बुरा लगता है यार, यहाँ पे 1v3 क्लच होने वाला ही था। अगर एक क्लच होता ना भाई कितना बेहतरीन सीन होता था, मतलब क्या ही बताओ बे। पर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन अपन एकदम बेहतरीन क्लच करेंगे जो कि पूरे YouTube पे कभी आया ही ना होगा। शायद से आपको यहाँ तक गेम प्ले पसंद आया होगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, मिलता है आपको नए वीडियो में। सो टिल देन राज भाई 99 साइनिंग आउट। Yeah.